हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूँ अरुण कुमार यादव और ये है एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले हम इसे i के बराबर मान लेते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, आप इन दोनों टर्म्स को अलग लिख लो और इन दोनों टर्म्स को अलग लिख लो। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें अलग लिखना है तो इसके नीचे x माइनस वन अलग से आ गया प्लस, और जो ये x माइनस वन है इसके नीचे जो ये x माइनस वन है ये आप अलग लिख लो, ठीक है। और बाहर क्या बचा हुआ है, बाहर बचा हुआ है dx। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या होगी, देखिए इन दोनों में से अगर आप x की पावर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो कि कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचा अंदर x, माइनस है तो आप माइनस लिख दो, एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका तो यहाँ वन बचा, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है, एक्स माइनस वन, और प्लस में क्या बचा हुआ है, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और बाहर क्या बचा हुआ है, बाहर बचा हुआ है डी एक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन यहाँ पे काटा जा सकता है, इसी तरह से एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन यहाँ पे काटा जा सकता है, यहाँ क्या बचेगा वन, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचा है वन, ठीक है, और बाहर क्या बचा है, बाहर बचा है डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन दोनों में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन है, वन को आप बाहर लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और डी एक्स, ठीक है। अब इसमें आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स जो होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस में सी, जो यहाँ पे ऊपर होता है वही नीचे भी आता है। इसी तरह से अब देखिए इसको अगर हम करें इंटीग्रेट तो हो जाएगा एक्स की पावर टू है, यहाँ एक्स की पावर एन होता है, मतलब एन की वैल्यू क्या आ गई टू, तो एक्स की पावर एन प्लस वन यानी कि टू प्लस वन थ्री हो गया, डिवाइड बाय एन प्लस वन यानी टू प्लस वन थ्री आ गया, ठीक है। प्लस में क्या आया, वन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स प्लस सी, तो यहाँ का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा सी, इन दोनों इसका कॉन्स्टेंट जो था समझ लो सी वन है, इसका कॉन्स्टेंट सी टू है, सी वन और सी टू को एक साथ लिख दिया मैंने कैपिटल सी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में है इनटू में है अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको भी आई के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इनटू में एक्स की पावर 1 बाई टू, अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1 बाई टू, क्योंकि अंडर रूट एक्स जो होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर जो होती है वो 1 बाई टू हो जाती है, ठीक है। अब आप डी एक्स यहाँ लिख दो, अब x की पावर 1 बाई टू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है, तो i की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1 बाई टू माइनस x की पावर 1 बाई टू को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर, यहाँ कितनी है पावर 1 है और यहाँ 1 बाई टू है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेस दोनों का x है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1 बाई टू यानी कि 3 बाई टू, ठीक है, इंटू में क्या है डी एक्स। अब देखिए आई इज इक्वल टू क्या आएगा, अब फिर से आप इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1 बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई टू डी एक्स, ठीक है। फिर से आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे एक्स टू द पावर एन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो आपको मिलता है x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस में c। तो यहाँ से ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं तो यहाँ x की पावर n की जगह क्या है 1 बाई टू, तो 1 बाई टू प्लस वन हो जाएगा 3 बाई टू डिवाइड बाई होगा 3 डिवाइड बाई टू माइनस यहाँ x की पावर 3 बाई टू है n की जगह पर तो n प्लस वन क्या होगा 3 बाई टू प्लस वन वो हो जाएगा 5 डिवाइड बाई टू और डिवाइड भी होगा n प्लस वन यानी 5 डिवाइड बाई टू से प्लस में इन दोनों का कांस्टेंट मिला के लिख दिया मैंने सी, ठीक है। आप चाहें तो 3 बाई टू को आप अभी आगे सॉल्व कर सकते हैं, 3 बाई टू को आप लिख लो ये भी 2 जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई टू माइनस 5 बाई टू में 2 ऊपर जाएगा 2 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा और एक्स की पावर
5 डिवाइड बाई 2 प्लस में क्या आएगा C। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।